डुओपॉड्स लेना ठीक रहेगा या नहीं, टेंशन मत लो, मैं बताता हूं। hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी यहां पे मीवी डुओपॉड्स F30 लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर से देखने को, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं मीवी डुओपॉड्स के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा मस्त लगेगी, एंड आपको बताने वाला हूं कि आपको क्यों जो है ये ईयरफोन्स परचेस करने चाहिए या फिर क्यों नहीं परचेस करने चाहिए। तो वीडियो आपको एंड तक देखते रहना, इंटरेस्टिंग होगी, शुरू करते हैं। सो गाइस यहां पे मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपको इनकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो मैंने जो अपने चैनल पे पास्ट में इसकी अनबॉक्सिंग करी है, आप जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं कि इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं इन डुओपॉड्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को जो है काफी ज्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन देखने को मिलता है। जो स्टिक है बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, काफी ज्यादा हैवी भी नहीं, अगर आप इसको 6-7 घंटे 10 घंटे यूज करते तो आपके ईयर्स में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड सही बताऊं बहुत से ईयरफोन आते हैं काफी ज्यादा हैवी होते हैं और ईयर्स में ऐसा लगता है कुछ ड्रैगिंग सा हो रहा है, किसी ने उंगली देखे ऐसे, तो इनमें बिल्कुल भी वैसा इशू नहीं आएगा आपको। बात करते हैं कंफर्ट की, तो गाइस नो डाउट कंफर्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बल्कि आपको यहाँ पे टिप्स देखने को मिलती है, उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मेरे को स्मॉल अच्छा लगता है, मीडियम भी आता है, लेकिन मैं स्मॉल लगाता हूँ जिससे मुझे अच्छे से जो है सराउंडिंग एकदम बंद हो जाता है। बॉक्स का डिजाइन भी जो है काफी ज्यादा अच्छा, आप बोल सकते हो पूरा कर्व से है, मैट फिनिश के साथ आता है, तो ये भी जो है काफी ज्यादा अच्छी चीज। हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो है कनेक्टिविटी के बारे में, तो गाइस कनेक्टिविटी नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है, एंड्रॉइड और iOS के साथ कनेक्ट करते हैं, ये ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं। एंड मैं एक चीज और आप सभी को बता देता हूं कि यहां पे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जो सेंसर्स कंट्रोल होते हैं वो काफी ज्यादा क्विक है, एक्यूरेट है, एंड जैसे आप डबल टैप करते हो नेक्स्ट हो जाता है, अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो राइट हैंड साइड तो वॉल्यूम जो है अप हो जाती है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जो है लॉन्ग प्रेस करते हो तो डाउन हो जाती है। एंड यहां से आप जो है अगर आप इसको ट्रैवलिंग के समय यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बाइक चलाता हूं स्कूटी चलाता हूं, तो अगर आपको कॉल्स आती है, आपको किसी से बात करना है, तो यहां पे आप जो है नॉर्मल एक क्लिक से भी कॉल उठा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी इसमें, जो आपको गूगल एंड सीरी असिस्टेंट भी देखने को मिलता है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपको सिंपल से 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है किसी भी ईयरबड पे, एंड यहाँ पे आपका सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट वर्क करने लग जाएगा। बात करते हैं इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में, दो तरीके से डिवाइड कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको बेस वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल एकदम आराम से सॉफ्ट सॉन्ग या फिर कोई भी नॉर्मल पिचेस वाले सॉन्ग सुनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस वालों के लिए, जिनको बेस क्वालिटी सॉन्ग ज्यादा पसंद है। तो यस गाइस यहाँ पे जो है मैं इसको 10 में से 8.5 मार्क्स दूंगा, क्योंकि 1.5% करना है इसकी, जब आप वॉल्यूम 80 से अबव कर देते हो वो ऑलरेडी जो यहाँ पे फ्लटर्स हो जाती है आराम से, आपको लगता है ऐसा फटाफट आवाज आ रही है, लेकिन आपके ईयरफोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे भी बताऊं, अगर आप 70-80 सुनेंगे तो क्या सुपर साउंड आती है भाई, बहुत ज्यादा अच्छा बेस है। हम बात करते हैं अगर आपको नॉर्मल सॉन्ग्स पसंद है, आपको कुछ ज्यादा बेस वाले सॉन्ग नहीं पसंद, सैड सॉन्ग पसंद, उसके लिए जो है एकदम बेस्ट रहने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपको पिचेस जो है एकदम क्लियर देखने को मिलती है, कुछ ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा पैनी आवाज आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी जो है यहाँ पे क्लियर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। जो बीट्स आती है छन छन, जो सॉफ्ट बीट्स होती है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो है बैटरी लाइफ के बारे में, तो गाइस ये बड़ा मेन फैक्टर है इसमें, जो आपको 42 आवर्स की जो है बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। यस गाइस जब आप इसको 50% वॉल्यूम पे सुनोगे, अपना ऑनेस्ट रिव्यू भाई, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, यहाँ पे जो है मैंने इनको अराउंड 3 दिन से भी ज्यादा चार्ज नहीं करा, एंड मैं जो है यहाँ पे इसको 70% 60% पे सुनता रहता हूँ, यानी स्ट्रीम चलती रहती है, नेटफ्लिक्स चलता रहता है, और भाई मैं पूरी रात रात देखता हूँ, और सच में मेरे को एक बार भी इनको नहीं लगता कि चार्ज कर लूँ कोई से ईयरबड्स, क्योंकि भाई ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। आपको क्विक चार्जिंग करनी है तो 10 मिनट चार्ज करो, 10 आवर्स का बैटरी बैकअप ये आपको प्रोवाइड करेंगे, विच इज अ वेरी गुड चीज। यहाँ बात करते हैं इसकी प्राइस एंड कंक्लूजन के बारे में, कि आपको ये परचेस करने चाहिए या फिर नहीं। तो यार यहाँ बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट एंड मीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको जो है 1200 रुपीज के देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको सेल में परचेस करते हो तो यहाँ पे सेल में आपको 800-900-1000 रुपए भी देखने को मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसके जो है सिमिलर आते हैं डुओपॉड A25, वो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलता है। एंड मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप जो इनको परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी डील है, अगर आपको सेल में मिल जाते हैं 900-1000 रुपए में तो भाई एकदम बेस्ट रहने वाले हैं ये। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, अगर आपको इनको परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इतना था वीडियो में, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।